Hey guys, welcome to your channel number one. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी का ये जो टॉपिक है ना, ये है आपका सक्सेस को लेकर। अब इसमें जो भी आएगा, करियर, फाइनेंसेस, विल सी दैट, ठीक है जी। और आपके सामने यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज ग्रुप नंबर वन, दिस वेरी ब्यूटीफुल सेलेनाइट एंजल विद सेलेनाइट ब्रेसलेट, and this is group number 2, this beautiful opalite moon, and this is group number 3, Lakshmi Devi lotus feet engrave किए गए हैं इस पे, ठीक है जी। आपको तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज कर सकते हो, एक से ज्यादा भी देख सकते हो। और हम करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट, जैसे कि हम हमेशा यूजुअल करते हैं। अब सक्सेस में ना, आपके कुछ भी जनरल रीडिंग है ना, तो उसे ही अकॉर्डिंग आने वाला है। मैं कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हर लोगों का कुछ का जॉब है, बिजनेस है, छोटा है, बड़ा है, तो उस तरह से एक कंप्लीट उसमें आ जाए वैसा करेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। हे ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने भी चूज किया है ब्यूटीफुल से एंजल को, मैं हटा नहीं रही हूँ किसी रीजन की वजह से, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे हैं सभी। करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या आता है आपके सक्सेस को लेके, करियर को लेके, या अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हो तो उसको लेकर, ठीक है जी। ग्रुप नंबर, वाह, मैं अभी यह सोच रही थी ना कि टैरो रीडिंग ना सीखने की जरूरत नहीं होती है, वो हम इंट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर वन, ओके। हे स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी ग्रुप नंबर वन, आप लोगों का ना ब्रेन बहुत शार्प हो सकता है, ठीक है जी। ब्रेन बहुत शार्प हो सकता है अगर आप ये सोच रहे हो कि जी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरा यकीन मानिए, चीजों को थोड़ा सा स्ट्रेटजाइज करने पर ही आप लोगों को काफी सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। यू आर योर सेल्फ मेड पर्सन बोल सकते हो, सेल्फ मेड मैन जैसे हम बोलते हैं। आपको एक क्रिएटर की एनर्जी में हो, मुझे यहाँ पे ना सैटर्न की वाइब्स काफी लग रही हैं, सैटर्न प्लैनेट की। उसके साथ जब आपकी ब्लेसिंग्स हो जाती है ना जुपिटर की, वो यहाँ पे काफी वाइब्रेशंस है, लाइक नंबर 3 की लक, ग्रोथ, एक्सपेंशन की। ब्रेन काफी शार्प है आप लोगों का, ट्रेंड सेटर बनी है, फॉलो करने वाले नहीं। अब मुझे लगता है आप लोग बिजनेस में काफी अच्छे रहेंगे, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप लोगों के पास काफी अच्छे रहते हैं, ठीक है जी। और थोड़ा सा मे बी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है, या इश्यूज हो सकते हैं, या फिर एक हेजिटेशन। अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात भी नहीं की जाए ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपके अंदर ना हेजिटेशन हो सकती है कुछ चीजों को लेकर, ठीक है। तो हेजिटेट नहीं करना है, जस्ट डू इट वाली आपके अंदर वो होनी चाहिए। सक्सेस है भाई आपके पास, सक्सेस है, काफी है। प्रैक्टिकल पर्सन हो आप काफी, कुछ ऐसे मैं डेस्टिनी में भी बोलूंगी कि हाँ है, बट फिर भी चीजों को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटजाइज करके इम्प्लीमेंट करना, आपको कुछ भी करना है अपने लाइफ में, ठीक है जी। विम्सिकली आप वैसे भी कुछ चीजों को फॉलो नहीं करोगे, ये आपका कार्ड बता रहा है, ओके। ग्रुप नंबर वन, योर सक्सेस। एजुकेशन में आप काफी अच्छा करेंगे, एजुकेशन में काफी अच्छा, वो काफी स्ट्रांग है ये वाला ग्रुप भाई। सन का कार्ड है, सन 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 सन, हम जानते हैं जब हम मटेरियल सक्सेस की बात करते हैं तो सन कितना इम्पोर्टेंट होता है मटेरियल सक्सेस में, क्यों? बिकॉज सन रिप्रेजेंट करता है एक्शंस को, सक्सेस को, नेम को, फेम को, बिजनेस को, ठीक है जी। मींस फादर की एनर्जीज या मैन मैस्कुलिन एनर्जीज को, ठीक है जी। तो सन है यहाँ पे, ये ग्रुप काफी मेरे को क्रिएटिव भी लग रहा है, एनर्जी लेवल काफी अच्छा है इस ग्रुप का। अपनी एनर्जी को बांधना मत कहीं पे, स्टक मत करना, जैसे मैंने बोला ट्रेंड सेटर हो। अब अगर आप ऐसे लोग अगर दूसरों को फॉलो करने लग जाएं, वो घुट जाते हैं, फिर हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है उनका, है ना। अपने पैशन को फॉलो करें, ये वाला ग्रुप जो है, कुछ भी हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस हो सकता है, ठीक है।
आपके अपने ही कोई खुद का ही कोई टैलेंट हो सकता है, कुछ भी हो, वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है जी। ब्यूटीफुल। फिर ऊपर से आया यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे ना अगर आप इस कार्ड को वैसे देखोगे ना, यहाँ पे अगर नंबर देखोगे 50 है, बट मुझे यहाँ पे नंबर 8 की वाइब्स बहुत ज़्यादा आती है। मैं जब भी इस कार्ड को ना नंबर 8 का कार्ड करके ही रीड करती हूँ। क्यों? क्योंकि ना एक तो नंबर 8, जैसे कि हम जानते हैं कि सैटर्न का भी होता है, सैटर्न इज अबाउट डिसिप्लिन, कर्मास, है ना, आपके एक्शंस, ये सब चीज़ें, फेयर। आप अगर आप सोच रहे हो ना, ये वाला ग्रुप वो है जो कि आपके खुद के एक्शंस ही आपको सक्सेस देंगे, ठीक है। आपके कर्मा से ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, हाँ है, बट आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। एक्शंस आपको खुद लेने पड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि दुर्गा का वचन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करते हो, अपने ब्लॉकेजेस फेस करते हो, कुछ हिंड्रेंस हैं आपके सक्सेस में, किसी भी तरह के सक्सेस हो सकते हैं, यहाँ पे मैटर नहीं करता। मैंने पहले भी रीडिंग में बोला था, किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल हो सकता है मेरी तरह, या फिर कोई बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, या फिर जॉब है, कुछ भी ऐसा, तो डजेंट मैटर हेयर, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो दुर्गा कवच का पाठ करिए, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सकता है आप लोग कभी कभी ना दूसरों की इविल आई से अफेक्ट हो जाते होंगे, किसी बोलते अरे ये बंदा तो बहुत अच्छा कर रहा है, पता नहीं कितना ही कर रहा होगा, कितना कर रही होगी, क्या चल रहा होगा, ये है वो है। तो फॉर दिस ऑल्सो दुर्गा कवच का रिसाइटेशन करें, अटेंड करें, वट एवर जो भी उसका रहता है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपकी एक और चीज़ है, आपके अगर बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम्स, लाइफ में, एजुकेशन में, एग्जाम्स में, कहीं पर भी कुछ आएंगे ना, स्ट्रैटेजी बना के चलना, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि आप अपनी जो भी वीकनेसेस होंगे, यू नो, जब हम मैनेजमेंट का बुक रीड करते हैं तो बेसिक चीज़ें उसमें क्या होती हैं, स्वॉट एनालिसिस, आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, आप अपनी वीकनेसेस को बहुत ही ईजली कंट्रोल कर सकते हो। यू हैव दिस स्ट्रेंथ विद इन यू, ठीक है जी। तो बिल्कुल आपको ना इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आप फ्रेशर होंगे तो नहीं कर पाएंगे, बट आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को मैं यहाँ पे बोलने वाली थी, मुझे लगा कि आया नहीं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। वाह, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये शायद रीडिंग मेरे लिए भी है फर्स्ट वाली, क्योंकि फील हो रहा है मुझे ऐसे, फ्रेंकली स्पीकिंग। वाह, ओके। एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न के वाइब्स भी हो सकते हैं। मुझे खुद को भी अपनी, हमें ना अपनी इंट्यूशन को नहीं रोकना चाहिए, बोलना चाहिए। खैर, आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे, प्रेयर टू आर्कएंजल माइकल। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, एनिमीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, कहीं भी है, कुछ भी है, जस्ट टेक रिफ्यूज ऑफ आर्कएंजल माइकल, बिकॉज आर्कएंजल माइकल इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इनको इक्विवेलेंट टू गॉड बोला जाता है। जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ, लाइफ में कुछ भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनको आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, नंबर 8, ठीक है, इनका मैं हमेशा नंबर 8 ही बोलती हूँ। ये दोनों आप ये सोच लीजिए आपके स्पिरिट गाइड्स भी हैं, जहाँ लॉयन आपका स्पिरिट गाइड हो सकता है। अगर आप दुर्गा देवी का भी वो देखेंगे, जो लॉयन उनका होता है तो क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों को देखते ही दूर भगाता है, ठीक है जी। इसलिए भी किया जाता है उसका, उनके दर्शन किए जाते हैं, या फिर उनका चैंट किया जाता है, रिसाइटेशन किया जाता है। आर्कएंजल माइकल के स्वॉर्ड जो है इनके हाथ में पकड़े, इनमें भी इक्विवेलेंट पावर उसी वही होती है टू फाइट अगेंस्ट नेगेटिविटी। जरूर कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं, एंजल्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके उसमें, ठीक है। तो एंजल्स को आपने रिफ्यूज लेना है, प्रेयर करना है। ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स भी होंगे, चैलेंजेस भी काफ़ी होंगे, बट आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके, मीन्स क्या, रिफ्यूज आपका विल पावर और प्रेयर और स्ट्रेटजी बना के सक्सेसफुल बी योर्स, कि ये है आपका सक्सेस का कार। और है, अगर रास्ते कहीं पे बंद हैं, डोंट वरी, रास्ते आपके ओपन होंगे। जो रोमांस का कार्ड है, बट अगर नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी, वैसे 6 को कुछ लोग डिफरेंट मानते हैं, बट आई लव 6 नंबर, क्योंकि शायद इसलिए भी क्योंकि मेरा खुद का भी व्हाट आई बिलीव स्ट्रांगली, 6 इज माय पर्सनल नॉट फेवरेट, बट इट इज माय डेस्टिनी नंबर, व्हाट एवर नंबर, बर्थ नंबर, या आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आपके रास्ते, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैसेज है इस वाले ग्रुप में, जब हमारे हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है ना,
नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस के ऊपर इश्यू आते हैं, कस्टमर क्लाइंट से अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। हार्ड चक्रा जैसे ही ओपन होगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कस्टमर क्लाइंट्स भी आएंगे, ऑर्डर्स भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, चाहे वो जॉब की हो या फिर एग्जाम्स से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो आपकी लाइफ में, ठीक है जी। बाकी एक दो कार्ड जो है ना हम ऐसे से ही करती हूँ रेडी, मेरा मन कर रहा है आपके लिए। वो से नंबर एट और कार्ड कैसे गिरे हैं, नेगेटिविटी है भाई आपके केस में ना। एक और चीज़ बताते हैं, हैप्पी फैमिली है डिसाइड भाई आप लोग ना थोड़ा सा ना एक तो केयरफुल रहो। अच्छा हुआ मैंने कार्ड नहीं रखे। देखिए नंबर एट का कार्ड, अब नंबर एट कितना प्रोमिनेंट है, इनडिसिजन। कोई तो एक ना हो सकता है आप डिसीजन लेने में बहुत ही वीक पड़ जाते होंगे, राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो, हमेशा रॉन्ग चीज़ें चूज कर लेते होंगे या समझ नहीं आता होगा क्या करूं, यहीं पर रुके रहोगे तो लाइफ तो यहीं पर ही रुकी रहेगी ना। फिर आपकी नेगेटिव एनर्जी है कुछ आपके केस में, ठीक है रेड कलर, क्योंकि यहाँ पे आपकी रीडिंग में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस इनडिसीजन से भाई बाहर निकलिए, बहुत जल्दी बाहर निकलिए। और है आपका अटैचमेंट्स का कार्ड, नंबर फाइव का कार्ड है। फाइव मीन्स चेंज करना, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हो तो आपको आपकी अटैचमेंट्स छोड़नी पड़ेंगी, है ना। आप हो खुद बहुत ही एक नाइस पर्सन और केयरिंग, लविंग, गिविंग, बट गलत जगह बंधे हुए हो, फंसे हुए हो, अटैचमेंट्स फंसे हुए या फिर एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रही है आपकी, तो भाई प्लीज़ आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ना अपना ये मास्क उतारिए। यू आर द रियल पर्सन, रियल पर्सन भी आप उतने ही ब्यूटीफुल हो जितने कि आप यहाँ पर हो, ठीक है मास्क में। बट मास्क इज फेक तो फेक रहेगा, नेचुरल इज नेचुरल। जो भी आपकी अटैचमेंट है, जो आप जानते भी हो या नहीं भी जानते हो भाई, उनसे डिटैच करिए खुद को, ठीक है जी। डिटैच करिए, नहीं तो ये दो चीज़ें ही आपके उसमें काफ़ी बड़ी हिंड्रेंस बन जाएंगे। और अगर यहाँ पे भी देखोगे ना, डिसाइड का कार्ड, कोई तो है जो कि आपसे जेलस फील करता है आपके सक्सेस से। अभी आपके पास इतना शायद है भी नहीं जितना वो कर लेते हैं, या उनकी इविल आई जैसे कि मैंने आपको बोला था, और यही इसी वजह से शायद जो आपके आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं या रास्ते हैं बंद हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। सो बी केयरफुल, ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, ठीक है। तो खुद को ऐसे लोगों से थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखें, और जब भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ना, वहाँ से जो पहले की पुरानी परसेप्शंस बनी हुई है ना किसी चीज़ को लेकर, उसको हटा दीजिए। टाइम जो है काफ़ी फास्ट चेंज होता है, लोग उससे भी जल्दी बदल जाते हैं, ठीक है। तो हाँ मैंने बोला था ये मिलेगा आपको, ये कार्ड आ गया, हैप्पी फैमिली का कार्ड। एक्चुअली यू डिजर्व दिस, आप लोग ये डिजर्व करते हो, हैप्पी फैमिली, फेयर हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लव ऑल्सो, नॉट ओनली सक्सेस बट लव ऑल्सो। वाइट कलर भी प्योरिटी का कलर होता है, यू डिजर्व दिस। सन और इस ये कार्ड आना, कम्प्लीशन मीन्स कम्प्लीट रीडिंग जिसको हम बोलते हैं, नंबर फोर अगर यहाँ पे भी देखा जाएगा ना, तो नंबर फोर इज अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आपकी फैमिली की, आपकी, एंड यू आर हैप्पी हियर। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे किसी रिवर साइड में या माउंटेन साइड में रहते हैं। फिर है आपका यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रेस्ट एंड रेजुविनेशन। जब कभी भी आपको ये लगे ना कि बहुत परेशान हो, तकलीफ में हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ उस वक्त, आराम से बैठे या लेटे, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मेडिटेशन करना है आपको, लेटे कोई भी मंत्रा, स्पेशली ओम इज़ बेस्ट, खाली उसको लगाओ, 15-20 मिनट सुनो, लेटकर सीधा स्ट्रेट लेटकर, बस उसके डेली अगर आप इसको करते हो ना, तो देखना आपको चेंजेस फील होंगे खुद में। तो मैंने जैसे बोला था, मैं रीडिंग कुछ बहुत ज़्यादा उस अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, पर्टिकुलर जनरल है। तो दिस इज योर रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ यस लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। हैव अ नाइस वंडरफुल डे अहेड। हे ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने भी चूज किया ये ब्यूटीफुल सा ऑपलाइट मून, इसको भी हम रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं हटाने नहीं वाली हूँ किसी भी चीज को। दिस थिंग्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ व्हाइट कलर की वजह से, बहुत सुंदर लग रहा है स्पेशली, ठीक है। और करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके मटेरियल सक्सेस को लेके। आई एम सो सॉरी, आपको पीछे से आवाज़ आ सकती है कुछ पेपर्स की। चलिए ग्रुप नंबर टू, जनरल रीडिंग है, डजेंट मैटर आपका जॉब है, बिजनेस है, हाउसवाइफ है, यूट्यूब है, पार्लर है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, बात, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल बात। कितने
जितनी भी मुश्किलें आए, यू आर ब्लेस्ड। रास्ता तो आपको मिल ही जाएगा उनसे, वो रास्ता तो मिल ही जाएगा आपको उनसे बाहर निकलने का। वेरी नाइस, चला इसका कार्ड है, विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास उनके सॉल्यूशंस भी होंगे, या कुदरत से, डेस्टिनी से, यूनिवर्स से आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। आप लोग ना मुझे काफ़ी एक सॉफ्ट लाइट एनर्जी वाले पर्सन लग रहे हो, ठीक है। पता नहीं क्यों, हो सकता है कि क्लियर क्वार्ट्स आपको बहुत पसंद हो, हालांकि यहाँ क्लियर क्वार्ट्स खाली ये है, ठीक है, बाकी यहाँ क्लियर क्वार्ट्स नहीं है, ये ऑपोलाइट मून है और वाटर साइन भी हो सकते हो, इमोशनल पर्सन हो सकते हो, बहुत ही लाइट एनर्जी है आपकी, लाइट एंड स्वीट एनर्जी। एमेथिस्ट हो सकता है आपको पसंद हो, थर्ड आई चक्रा हो सकता है, इन लोगों का ब्रेन बहुत अच्छा होगा आपका, साफ एकदम क्लियर, पता है यही रास्ता है तो यही है, उसके अलावा और कहीं भटकना नहीं है हम लोगों ने। तो ऐसे यहाँ पे वाइब्रेशंस हैं इस वाले ग्रुप की। बुक, आपको बस एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी बीच बीच में, गाइडेंस की, ठीक है, गाइडेंस की। गाइडेंस में हमेशा रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जितनी भी डिफिकल्ट चीज़ें होंगी ना, वो जो आपका लोक का भी कार्ड आया था, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ता क्लियर होता जाएगा। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि होता ना कुछ लोगों का, ठोकरे खा रहे हैं फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, आपको एडवाइस मिल गई कहीं से, बट ट्रू एंड फेयर एडवाइस, ये नहीं कुछ भी, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ऑलवेज किसी भी पर्सन की, जो भी आपके राइट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आपके फैमिली में कोई एल्डर हो, बड़े हो, या कुछ भी हो, फेयर गाइडेंस में रहें आप। ये वाला ग्रुप जो है ना, ग्रुप नंबर सेकंड, ये कुछ अपने ही जर्नी में रहा है, हो सकता है लाइफ में काफी चीजें उतार चढ़ाव भी देखे हैं इस वाले ग्रुप ने, स्लो लग सकता है, बट न्यू बिगनिंग्स हमेशा आपके केस में होंगे, है ना, आपके केस में कभी भी स्टोरी का डे एंड वाला यहाँ पे सीन नहीं है, ठीक है जी। तो बस आपने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फेथ रखना है। ये देखिए कॉइंस, मैं और ओरेकल डेक, वाह वाह भाई, वेल आप अगर रास्ते को बिना किसी उसके फॉलो करते जाओगे ना, इधर उधर, एक जो हार्ट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ग्रुप नंबर टू के लिए यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रही हो, पाथ के नीचे वाला कार्ड आया है ना, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट तो आपको होंगे, प्रॉफिट होंगे आपको, हेरिटेंस से भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। वाटर की एनर्जी आप लोगों के साथ काफ़ी प्रोमिनेंट है, वाटर की एनर्जी आप लोगों के उसमें, तो नेचुरल आपकी एनर्जीज भी काफ़ी अच्छी होंगी। कभी कभी आपको आप खुद में इंस्टेबिलिटी लगेगी, मूड स्विंग्स लगेंगे, बट दैट इज पार्ट ऑफ योर करेक्टर और नेचर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने सीरियस नहीं होना है, ठीक है जी। एक और चीज़ ये है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हो सकता है आप बहुत स्लो प्रोग्रेस हो, बट बाद में आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं इनसे कुछ बड़ा गेन भी होगा, ठीक है। टॉर्च का यहाँ पे कार्ड है, चला इसके नीचे। अगेन आपके रीडिंग में एक प्रोमिनेंट चीज ये है कि आप लोग गाइडेंस पे जरूर किसी ना किसी तरह की रहें और चिंता नहीं करें। अगर आपको लगता है, पाथ वाले कार्ड से मैंने पहले ही बोला था, आप कहीं फंस गए हो, तो रास्ता आपको कहीं ना कहीं से हमेशा मिलेगा निकलने का, आप कहीं पे फंसने वालों में से नहीं हो, सही गाइडेंस में रहेंगे, क्योंकि बिजनेस करियर सक्सेस इज अबाउट रिस्क टू, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। एक और कार्ड लेते हैं आपका, ये वाला कार्ड आया है, देखिए वही वाला चीज है, मैं बॉटम ऑफ द डेक अगेन ही आ गया, तो मतलब कंप्लीट मून का कार्ड, न्यू बिगनिंग शुरू होंगी आपके केस में। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तक नहीं हो रहा, पहले ऐसे किया था वैसे हुआ था, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेजर अटकी पड़ी हैं कहीं पे, ठीक है, वहाँ न्यू बिगनिंग शुरू होंगी आपके केस में। डेस्टिनी में मैंने आपको बोला था, हैंड के कार्ड को अगर आप पहले भी मेरी रीडिंग देखते हो, आप देखेंगे कि मैं इसको डेस्टिनी का कार्ड बोलती हूँ। एमिथिस्ट पकड़ा हुआ है इन्होंने हाथ में, और मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, एमिथिस्ट आप लोगों के लिए बहुत लकी हो सकता है, पर्पल कलर, इंडिगो कलर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। एमिथिस्ट अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, खाली एमिथिस्ट के रुख आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और थर्ड आई चक्रा भी मैंने आपका आई गेस इसी में ही बोला ना कि काफी स्ट्रांग है, तो इसके इस केस में क्या हो सकता है, ब्रेन बहुत अच्छा है आप लोगों का, ठीक है जी, ब्रेन बहुत अच्छा है आप लोगों का, डिसीजन बहुत अच्छे ले सकते हो, फेयर रहते हो आप लोग,
ठीक है, बस खुद के ऊपर थोड़ा सा और अपने जो है फेस रखना है कि हाँ ऐसा है, अपने दिमाग से चलते रहना है, स्लो होगा पर रुकना नहीं है, निकलते रहोगे आप चीज़ों में से, लाइफ की जर्नी बढ़ती रहेगी। यहाँ पे है मिरर का कार्ड, अब ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, ठीक है। नेगेटिविटी को देखोगे, नेगेटिविटी दिखेगी, पॉजिटिव रहोगे, मैक्सिमम आप पॉजिटिव रहते हो, बट कभी कभी आप स्लो हो जाया करेंगे, बट इस चीज़ को भी आपने करना नहीं है। कभी कभी हमें सीधी चीज़ भी उल्टी नज़र आती है कुछ रीजंस की वजह से, वो उस मोमेंट तक के लिए होती है, रिफ्लेक्शन होती है, अदरवाइज ऐसा कुछ होगा नहीं है आपके केस में। स्ट्रांग है, मीन्स डेस्टिनी स्ट्रांग है, कुछ चीज़ें आपको रिवर्स दिखेंगी, है ना। तो आपने अपना विजन क्लियर रखना है, विजन क्लियर रखना है तो खाली जैसे मैंने गाइडेंस आपका आया था फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए कि दुर्गा कवच का चैंट करना है, आप लोगों में खाली लेटे बैठे जस्ट ओम का चैंटिंग करें, तड़ाई चक्र के लिए AUM ओम का, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्लो होगी प्रोग्रेस बट जरूर होगी, पाथ आगे क्लियर होता जाएगा। एक तो और कार्ड लेने का मन कर रहा है मुझे इस ग्रुप के लिए ना, लेते हैं। ग्रुप नंबर टू, मैंने कुछ मैसेज स्किप कर दिया, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग था। यही चीज़ है आपके केस में, देखिए आप लोग ना सही ढंग से ये वाला ग्रुप जो है सेकंड ग्रुप स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाता चीज़ों को, इसलिए मैक्सिमम चीज़ें आपकी रुक जाती होंगी, आपकी ग्रोथ, आपकी एक्सपेंशन, क्योंकि आपको ना स्ट्रेटेजी नहीं बनाने आता चीज़ों को। ऑलवेज कीप अ जर्नल, हमेशा एक नोटबुक रखें, उसमें चीज़ों को नोट करें कब क्या करना है, या आपको फ्यूचर में जब भी कोई चीज़ करनी है ना, सपोज आप अभी नहीं कर पा रहे हो बट आप उसको नोट कर लें, कभी कभी उसको देख लिया करें, बट स्ट्रेटजी ऑलवेज बनाएं, सही टाइम का सही डायरेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही प्रॉब्लम पे कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला फिट करना है वो आपको पता होना चाहिए इस वाले ग्रुप को। तो यहाँ पे जो ये स्लो आ रहा है ना, ये स्लो नहीं हो पाएगा फिर, आपका स्लो नहीं होगा। और भी देखते हैं क्या, एक तो और मैसेजेस हैं मुझे लगता है जो कि आएंगे इस वाले उसके लिए। द टेम्पल पाथ, जैसे कि मैंने आप बोला कि आप लोग स्पिरिचुअल उसमें भी हो, तो मुझे लगता एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मुझे क्या लगता है ना इस ग्रुप का क्या 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 चीज़ें होंगी, जैसे जैसे आपका साइकिक लेवल इम्प्रूव होगा ना, वैसे वैसे आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे। मुझे लगता है आप लोगों की ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये वाले ग्रुप को ना खाली एक ही चीज़ है जो कि उनके एक्सपेंशन और ग्रोथ को रोक रही है, आपका चीज़ों को देखने का नजरिया। नेगेटिव देखोगे उसी वक्त सब नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव रखते हो तो यहाँ पे पॉजिटिविटी के मैक्सिमम कार्ड हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कार्ड पॉजिटिविटी के हैं। मैं फिर भी एक दो और कार्ड्स चाहती हूँ इस वाले ग्रुप के लिए, क्योंकि ये ग्रुप जो है ना शॉर्टकट में तो बिलीव नहीं करता ना ये वाला ग्रुप। द गार्डन एंड द गेट, अगेन 3 नंबर के वाइब्रेशन है यहाँ पे। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊँ, 333 नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं, 3, 3 एंड 3, 333 नंबर अगर आप ऐसे देखोगे तो किसका होता है, लक ग्रोथ एक्सपेंशन का, व्हील ऑफ फॉर्चून का। आपके केस में ना होते हुए भी ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं है, है ना, क्यों नहीं है, जस्ट इस मिरर के कार्ड की, जैसे मिरर का कार्ड वैसे देखा जाए अच्छा भी बोला जाता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया था ना बॉटम ऑफ द डेक, मीन्स आप खुद को जैसा देखोगे आप वैसा ही बन जाओगे, अगर आप खुद को स्लो मानोगे स्लो बन जाओगे। हमेशा अपने ऊपर फेथ रखें, फेथ रखें कि आपकी जर्नी फास्ट है, फास्ट होगी, रिजल्ट्स मिलेंगे, अचीवमेंट होगी लाइफ में। आपको अपनी एनर्जी नहीं करनी है, आपका ब्रेन एक्चुअल में एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, कॉमन सेंस, द लीस्ट कॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉमन सेंस, वो आपके पास है, उसको हमेशा यूटिलाइज करना है आपने। वन मोर कार्ड ओनली, और जहाँ पे भी आप स्टक फील करते हो ना, जस्ट वॉक अवे, वॉक अवे, सी गाइडेंस एंड वॉक अवे, विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी। देखिए मैंने आपको बोला ना वॉक अवे, अब बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, ये द थिंकिंग वूमेन। आप कैसे प्लेस पे हो, पीछे अगर बैकग्राउंड देखेंगे, दिस प्लेस इज वेरी ओल्ड डर्टी, आपकी खुद की कंडीशन देखें कैसी है, शायद बहुत ज़्यादा तैयारी कर करके थक गए हो, क्लियर नहीं हो रही हैं कुछ चीज़ें, शायद फाइनेंसिस हैं, हेल्थ का भी, हेल्थ भी इससे अफेक्ट हो रही है, तो वॉक अवे, जो चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पा रही हैं,
जिससे नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ रहे हैं, तो जस्ट वॉक अवे। और भी चीजों के बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं हर चीज के। विक्ट्री विल बी योर्स, यू आर लाइक दिस, आप ये नहीं हो, आप ये हैं। ठीक है जी। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, रीडिंग बहुत लेंथी नहीं कर रही हूँ, जनरल होगी जिसमें सब देख सकते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, टैरोट रीडर हो, दिस और दैट, बिजनेस, जॉब। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विथ यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के लिए एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। हैव अ नाइस वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय। ये ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी चूज किया ये ब्यूटीफुल से लोटस फीट। चलिए करते हैं आपके रीडिंग को स्टार्ट। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं क्या आता है। जनरल रीडिंग है, 3 का ही कार्ड आया है यहाँ पे, टेम्पल पाथ। ओके, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। क्या है भाई? नंबर 9 एंड 6 चक्र, आर्कएंजल मिथास ऑन बॉटम ऑफ द डेक इज दिस वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मतलब आप कोशिश भी करोगे ना मर्चुअल रीडिंग्स करने की, नहीं उसमें साइकिक रीजंस को आना ही आना है। ठीक है, एक जो भाई आप लोग तो हीलर हो, फ्रेंकली स्पीकिंग आप हीलर हो, आपका रिटर्न है, आप हीलर हो, आप साइकिक पर्सन हो, आपके पास जो भी साइकिक एबिलिटीज हैं हैं। नंबर 3 की यहाँ पे एनर्जी काफी स्ट्रांग है, जिस दिन अनलॉक चीजें होंगी तो बहुत ही जबरदस्त होंगी। इन्फिनिटी की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पास वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आ गए हैं। आप जानते हो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी से ही इन्होंने क्या बोलते हैं, इनको ये वाला जो है पोजीशन मिला है टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प यू नो पूरी ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए, और एक शील्ड बनाकर रखते हैं ताकि नेगेटिव चीज़ें हम तक नहीं पहुंच पाएं। ये देखिए इनके थर्ड आई चक्रा में भी एक स्टोन है। सो 6 चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आप लोग तो पहले से ही अपना जो है लिखवा के लेकर आए हुआ, ये वाला ग्रुप स्ट्रॉन्ग हीलर है, ये है वो है, और आपका तो लाइफ को जो है ना एक्चुअली हीलिंग के आसपास ही घूमता है। अगर आप वो करते हो, उस लाइफ पर्पस को फॉलो करते हो, तो आपको तो फिर सब चीजें मिलनी ही मिलनी है, वो तो पीछे आएंगी ही। मतलब कहने का ये है कि रीडिंग कुछ करो और राह कुछ जाता है। ये जरूर होगा इस वाले ग्रुप के साथ कि बहुत सारे स्ट्रगल, बैड एक्सपीरियंसेस, लक फेवर में नहीं होगा, लेट होगा, चीजें डिले होंगी, कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेंगी, ये जरूर चीजें हुई हैं। कभी दूसरे लोगों की तरफ से भी हो सकते हैं, लोग जेलस भी हो सकते हैं आपसे। ठीक है जी, तो ये चीज तो हुई है। एक्चुअली जाते नहीं थे इस तरह की इसमें रीडिंग करना, बट अब आई है तो आप क्या क्या उसको घुमा दोगे? नहीं ना। द थिंकिंग मैन, दिस इज यू, ये आपकी एनर्जी है अभी की। देखिए कभी कभी जैसे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है ना, मैंने पहले भी बोला था, तो वो नेगेटिविटी को हमसे ना दूर रखते हैं ताकि पॉजिटिव चीजें ही बस हम तक पहुंच पाए। ठीक है, आपके केस में ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, चाहे तो आप क्लियर क्वार्ट्ज का यूज करो, चाहे फिर एमेथिस्ट का यूज करो, नहीं तो कोई भी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल जैसे ये है ब्लैक कलर का, अपने राइट हैंड में जरूर कुछ भी पहनो। अगर आपने ऐसा आयरन का कड़ा पहना हुआ है तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट कुछ ना कुछ आप ऐसा भी पहन सकते हो। ठीक है, बिजनेस कर सकते हो, मुझे नहीं लगता आप अपने होम टाउन में कर पाओगे, दूर भी कर सकते हो, घर से दूर भी रहकर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बट आपको अपने दिमाग से कुछ परसेप्शंस, कुछ नेगेटिविटी निकालने की जरूरत है। बहुत स्ट्रांग अफेक्ट हो जाता है आपका ब्रेन बार बार किसी नेगेटिव, वो कॉर्नोकोपिया, ह्यूज सक्सेस, बिग सक्सेस, जितना डिले उतना बड़ा, सब्र का फल मीठा जिसको आप बोलते हो। 9, 10, 11, 12, कॉर्नोकोपिया मास्टर नंबर। ऑफकोर्स सक्सेस है आपके पास, बताने की जरूरत नहीं, ये वाला कार्ड इनफ है बताने के लिए आपकी सक्सेस को, दिस कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे ये ग्रुप ना थोड़ा सा अलोन और अकेला लग रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस, ये बैलेंस चाहिए खाली आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी मटेरियल लाइफ में, ये बैलेंस चाहिए। ओल्ड सोल की वाइब्रेशंस आ रही हैं भाई ये वाली रीडिंग से मेरे को काफी।
पहले दो ग्रुप की अच्छी गई है ना, तीसरे में साइकिक रीडिंग आनी ही आनी थी, तो आपका जो है ना ओल्ड सोल की वाइब्रेशंस काफ़ी हैं और ब्लेस्ड हो भैया आप, तो ब्लेस्ड हो आप लोग, यू पीपल आर ब्लेस्ड। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ऑफकोर्स आपकी लाइफ में ये सब चल रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ साइकिक लाइफ ही आप लोगों की बैलेंस्ड नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है ना, वो अनलॉक होगा तो ये कॉर्नोकोपिया ऑलरेडी है यहाँ पे पड़ा हुआ, आपका खजाना ट्रेजर या सक्सेस कुछ भी है ना। एक तो और कार्ड देख लें इसमें से, जो कार्ड होंगे, आहा सन का कार्ड, एंड यू नो सन, सन मीन्स मटेरियल लाइफ में जब हम सन की बात करते हैं, सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, नेम फेम गुडविल, कुछ कुछ रीडिंग है ना 40% जो है फर्स्ट उससे भी मिलती है, फर्स्ट पाइल से आपकी रीडिंग तो बहुत ज़्यादा, फर्स्ट और सेकंड पाइल का कॉम्बिनेशन है वाली रीडिंग, ब्यूटीफुल। यस ऑफ कोर्स आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, मैंने बोला ना ये जो पाइल है ना ये फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल जर्नी से निकल रहे हो, आपका स्पिरिचुअल एक्सेशन चल रहा है काफी टाइम से, चीजें नो डाउट स्लो रही हैं, जर्नी काफी स्ट्रगल रही है, बट आप लोगों को ना गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए आप लोगों को, ताकि आप बार बार ये जो अंधेरे में फंस जाते हो ना आप लोग यहाँ पे, उससे आप बाहर निकल सकें। यहाँ पे आप क्रिस्टल्स को देख रहे हो है ना, और यहाँ पे ये टॉर्च जैसे लाइट है जो आके आपकी कहीं ना कहीं पे हेल्प कर रही है। देखते हैं एक दो कार्ड सीखते हैं इस ग्रुप के लिए क्या क्या आते हैं। लोटस का कार्ड वैसे फ्रूट विजन अभी क्लियर नहीं होने की वजह से ना, ब्रेन क्लियर नहीं होने की वजह से आपको अपनी सक्सेस नहीं दिख पा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आपको मिल सकता है, हो सकता है या कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा, और इसी वजह से आपको इन चीजों की जरूरत है क्लैरिटी के लिए ही। देखते हैं और मास्क स्नेक, भाई आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अपने आसपास वाले लोगों से भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वाइन बॉटम ऑफ द डेक है आपका, क्वाइन का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, ठीक है जी। एक तो ना आप लोग स्पिरिचुअल एक्सेशन से गुजर रहे हो जिसकी वजह से काफी पेनफुल सा रहता है ये वाला जर्नी, और दूसरा कुछ चीजें समझने में भी थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं आपको, आसपास वाले लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहना, जो भी होंगे वो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि वो कौन है, कितनी दूर है, कितनी पास है, आपके नजदीक है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आप लोगों को चीजों को मैनिपुलेट करेंगे, तो आप लोगों ने बहुत ही केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से। एक दो और कार्ड्स लेना चाहती हूँ इस ग्रुप के लिए भी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी काफी कुछ छूट रहा है जैसे इस ग्रुप के लिए। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, योर सक्सेस स्टोरी, नंबर फोर अगेन आप लोगों का ना चीजें एक साथ चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी और आपकी मटेरियल सक्सेस जो है ना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एक रुकेगी तो दूसरी वहीं पर ही रुकी रह जाएगी, तो बेटर है कि हम थोड़ा सा साइकिक उसके ऊपर भी उसको भी एक्सेप्ट कर लें, अंडरस्टैंडिंग। यस हमें ये चीज़ जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी अच्छा है, कि अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो वहीं पे ही हैं, आपकी ब्लॉकेजेस ना तो आपको मटेरियल सक्सेस दिलाएंगी बल्कि आपकी साइकिक स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, है ना। कार्ड अपने आप फोल हुआ है, स्ट्रेस का कार्ड है, स्ट्रेस हो जाता है आपको, एनर्जीज आपकी कभी कभी बहुत ही इजली कोई डिस्टर्ब कर देता है या डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। और बट आपने कुछ नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रही है, तो भाई प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा उसके लिए भी आर्कएंजल मेटाट्रॉन को प्रेयर करेंगे ना, टू गुड फॉर दिस थिंग, ठीक है जी। आउटसाइडर्स का थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस रहेगा ही कुछ। देखिए यहाँ पे क्या आया है, रिसेप्टिविटी, कि भाई आप लोग खुद को टाइम टू टाइम हील करते रहिए, नेचुरल
जस्ट यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, बिलीव रखिए. और जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़, मुझे टेक्निक किसी ने बताया था, जब आप अपने दोनों हैंड्स को ऐसे रेक्ट ट्राइंगल की फॉर्म में ऐसे करके बिल्कुल ऊपर की तरफ रखते हो ना, जैसे आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, तो इस चीज़ से ना कुछ लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग मिलती है. थर्ड आई चक्र आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ, ये भी आया है, ये भी आया है. हीलिंग आप अपने जैसे चक्रस की करते रहते हो, हीलिंग के लिए कुछ मंत्रा मेडिटेशन ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है. नेचुरल तरीके से भी चीज़ें होती हैं. और सक्सेस का कार्ड है यहाँ पे, सक्सेस विल बी योर, सक्सेस आपको मिलेगी. जितना आपको नीचे डाउन फील करते हो, आपको लगता है आपको कुछ नहीं हो सकता या लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं, तो वो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपका नहीं. आपको सिर्फ अपने ऊपर फेथ और कॉन्फिडेंस रखना है. अपने ऊपर नहीं रख सकते, यूनिवर्स के ऊपर रखो, एंजल्स के ऊपर रखो, किसी के भी ऊपर रखो, बट रखो. द फूल का कार्ड है, जर्नी तो स्टार्ट होगी ही होगी, ठीक है, होगी ही होगी. यहाँ पे न्यू विजन का भी कार्ड है. जितना नीचे गए हैं उतना पर्सनैलिटी में आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे. आपके इनर हाई, मतलब अंदर से जैसे होता है ना, हम काफ़ी कुछ देखने के बाद हमें लगता है हम ऐसे हो ही नहीं सकते, है ना. ये कार्ड अब फॉलो हुआ है, कौन सा कार्ड है जो फॉलो हुआ है, थंडर बोल्ट का कार्ड रिवर्स आया है, टू गुड. आर्कएंजल मेटाट्रॉन है यहाँ पे, जो कि आपको, क्योंकि इसके ऊपर आकर गिरा है तो हम उनकी तरफ से ही मैसेज लेते हैं. अगर आपको यही वो है जो कि आपको गलत डिसीजन लेने से बचाएंगे, मास्क का जो कार्ड है, ऐसे लोगों से आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन या आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है जी. कुछ ऐसे लोग जो कि दिखते कुछ हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, वट एवर इट इज, तो ये बस आप इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ताकि ये चीज़ें आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करें. एक तो और कार्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल. लेटिंग गो, देखिए वट एवर हैपेंड हैपेंड, जो भी बैड होना था हो चुका. लेटिंग गो का कार्ड है, उन सबको लेट गो कर दो, लेट गो, दफा करो पंजाबी में हम जिसको बोलते हैं, ठीक है. अवेयरनेस का कार्ड, इसको वैसे बोला जाए चैरिट का कार्ड भी बोलते हैं. मैंने आपको बोला ना, आप थोड़ा सा भी प्रेयर मेडिटेशन करते हो तो आप इंटरनली क्या हो रियल वो सामने आएगा, ठीक है जी, वो सामने आएगा. आप खुद को एक डिफरेंट पर्सन के रूप में देखोगे कि आप क्या कुछ कर सकते हो. आपको इस कार्ड में ये भी बोला जा रहा है कि भाई आपने ना अपना डिटर्मिनेशन, विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना है, बस एफर्ट्स करते रहना है. स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना होगा या नहीं होगा, करते रहिए, ठीक है जी. एग्जिस्टेंस का कार्ड है, जिसको अगर आप देखा जाए तो बोलते हैं मैनिफेस्टेशन का कार्ड. दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग हेयर समथिंग बिग, ठीक है जी. मैनिफेस्टेशन जरूर करिए, चाहे आपको कितनी भी बड़ी चीज़ लगेगी. सपोज जिस पर्सन का सैलरी 30,000 है, 20,000 है, उसके लिए अगर बोला जाए आप 1.5-2 लाख का काम कर सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो, ह्यूज सक्सेस है. या आप लोगों का मनी कहीं पर स्टक है कि कोई होप नहीं है, कुछ ऐसा काम आपका हो जाएगा, तो मैनिफेस्टेशन करिए. मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों के पास बहुत बहुत स्ट्रांग होती है. आपके पास भी एक कार्ड आया है, हो सकता है आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो. सिंपल तरीके से बस बिलीव करना, इसका मतलब क्या है, ये तीन कार्ड क्या बता रहे हैं, आपको अगर खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखिए कि ऐसा मिलने पर होता है. इतनी ईजिली भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी, तो जरूर होगा, सक्सेस है इस वाले ग्रुप के लिए. जनरल